महाराष्ट्र में सियासी घमासान का दौर जारी है। सभी की नजरें राजनीतिक पार्टियों पर हैं कि किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। इसी बीच महाराष्ट्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जारी सियासी घटनाक्रम पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी आपको लगता है कि आप मैच हारने वाले हैं, लेकिन अचानक गेम पलट जाता है और जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल उलट होता है। उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी दिल्ली से आया हूं, तो मुझे महाराष्ट्र की राजनीति के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं है। वहीं मुंबई के दादर स्थित बीजेपी दफ्तर में पार्टी विधायकों की बैठक हुई, जो कि अगले 3 दिनों तक चलेगी। बैठक में देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन मजबूत करने और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।